बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्लास फोर मज़मून इस्लामियात पेज नंबर 4 और 5। ओके स्टूडेंट, ओपन योर इस्लामियात बुक पेज नंबर 4 और 5। इसे फिर से, इससे पहले वाले लेक्चर में स्टूडेंट मैंने आपको सूरे कौसर, सूरे असर और सूरे अलमाउन के बारे में बताया था, और आज हम सूरे अलकाफिरून और कुछ आप लोगों की आयात वो हैं जो नमाज के दौरान हम पढ़ते रहते हैं, वो दुआएं हैं जो मैं आज आप लोगों को पढ़ाऊंगी। तो चलिए ओपन कर लें। सबसे पहले मैंने आपको सूरह अलकाफिरून के बारे में बताना है कि ये सूरत मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई थी। उसका एक रुको और 6 आयात हैं। ये सूरत कुरान मजीद के पारे नंबर 3 में है। इस सूरत में मुशरिकीन के अमल से बेजारी का ऐलान है और इबादत में इखलास का हुक्म दिया गया है। ओके, बुक की तरफ देखिए और आप लोग सुने सूरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल कुल या अय्युहल काफिरून ला अबुदु मा तअबुदून वला अंतुम अबुदूना मा अबुद वला अना अबुदुम मा अबदतुम वला अंतुम अबुदूना मा अबुद लकुम दीनकुम वलियदीन। कुल या अय्युहल काफिरून अबुदु मा तअबुदून वला अंतुम अबुदूना मा अबुद वला अना अबुदु मा अबदतुम वला अंतुम अबुदूना मा अबुद लकुम दीनकुम वलियदीन। ठीक है, ये सूरत आप लोगों ने आप लोगों ने जुबानी याद करनी है। फिर उसके बाद ये जो बोर्ड की तरफ आप लोग देखिए हिफ्ज़ और तर्जुमा, इसमें है रुकू की तस्बीह, तस्मी, तहमीद, सजदे की तस्बीह, इल्म में इजाफे की दुआ और जहालत से पनाह की दुआ। ठीक है, ये जितने भी हैं ये आप लोगों की पेज नंबर 5 में ये हैं। ये हो गया आपका। ठीक है, तो सबसे पहले जब यहाँ पे आपका फर्स्ट वन है रुकू की तस्बीह। आप लोगों को पता भी है कि जब हम नमाज पढ़ते हैं तो उसमें हम रुकू करते हैं, तो उस रुकू में हम क्या पढ़ते हैं? सुबहान रबियल अजीम। क्या बोलते हैं? सुबहान रबियल अजीम। तर्जुमा, मैं अपने परवरदिगार बुजुर्ग की पाकी बयान करता हूँ या करती हूँ। मैं अपने परवरदिगार बुजुर्ग की पाकी बयान करता हूँ या करती हूँ। फिर है तस्मी। रुकू के बाद जब हम खड़े हो जाते हैं उसमें हम क्या बोलते हैं? समीअल्लाहु लिमन हमीदा। क्या बोलते हैं? समीअल्लाहु लिमन हमीदा। मैंने उसकी, अल्लाह ने उसकी सुन ली जिसने उसकी तारीफ की। इससे पहले हमने क्या कहा था? सुबहान रबियल अजीम का क्या मतलब है कि मैं अपने परवरदिगार बुजुर्ग की पाकी बयान करती हूँ। फिर जो है कि उसी नमाज में हम पढ़ते रहते हैं, और ये है कि जब आप लोग नमाज पढ़ते हो तो उसके अल्फाज का मतलब तर्जुमा आपको आना चाहिए, आपके माइंड में होना चाहिए कि इसका क्या मतलब है। तो है कि समीअल्लाहु लिमन हमीदा, अल्लाह ने उसकी सुन ली जिसने उसकी तारीफ की। फिर है तहमीद। रब्बना लकल हम। क्या बोलते हैं? रब्बना लकल हम। ए हमारे रब, सब तारीफें तेरे लिए ही हैं। ए हमारे रब, सब तारीफ तेरे ही लिए हैं। इस तरह भी बोले जाते हैं। फिर है सजदे की तस्बीह। जब हम सजदा करते हैं तो इसमें हम बोलते हैं सुबहान रबियल आला,
सुभान रबियल आला, मैं अपने परवरदिगार बढ़कर कृपा की बयान करती हूँ। मैं परवरदिगार बढ़कर कृपा की बयान करती हूँ या करता हूँ। फिर है इल्म में इजाफे की दुआ, जो आज हम अपने स्कूल में डेली जब असेंबली करते हैं उसमें ये दुआ हम ज़रूर मांगते हैं कि रब्बी ज़िलनी इल्मा, रब्बी ज़िलनी इल्मा, क्या मतलब है? ए मेरे रब, मेरे इल्म में इजाफा फरमा। ए मेरे रब, मेरे इल्म में इजाफा फरमा, आमीन। फिर है 6th, जहालत से पना की दुआ, क्या है? अऊज़ु बिल्लाहि अन अकूना मिनल जाहिलीन, अऊज़ु बिल्लाहि अन अकूना मिनल जाहिलीन। मैं उससे अल्लाह की पनाह मांगती हूँ कि मैं जाहिलों में से हो जाऊँ। मैं उससे अल्लाह की पनाह मांगती हूँ कि मैं जाहिलों में से हो जाऊँ। ठीक है, ये है आप लोगों की 6 दुआएं। ये आप लोगों ने तर्जुमे के साथ आप लोगों ने ये सारी की सारी याद करनी है। ये बुक में भी है विद ट्रांसलेशन। ठीक है ओके स्टूडेंट्स, नज़र आ रहे हैं आपको? तो ये आपने 6 के 6 जितने भी कलमात मैंने आप लोगों को आज के लेक्चर में पढ़ाए वो आप लोगों ने याद भी करने हैं। ठीक है ओके, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़, क्लास 4।